इस बार मैं बीपीएससी सरसठवीं का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में मैंने बैठा था, उसमें देखा कि दो तीन क्वेश्चन मैथ से पूछा जा रहा है, और पीछे का मैं रिव्यू किया था पहले ऑलरेडी, तो अच्छा खासा क्वेश्चन मैथ से पूछा जा रहा है 5-6 साल से। ठीक है, पहले के तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पहले का भी मैं रिव्यू किया लेकिन उतना मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आता था। बात किया जाए यूपीएससी का, तो यूपीएससी में अच्छा खासा, यूपीएससी का आप समझ लो कि सिलेबस का एक पार्ट हो गया ये आपका मैप। ठीक है, तो मैप पढ़ना ज़रूरी है, और पहले नहीं पूछा जा रहा लेकिन आज 5 साल से पूछा जा रहा है, तो यहाँ जाहिर से बात है कि आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम में मैप का एक सिलेबस का पार्ट हो जाएगा, उससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैप से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, और चालू करेंगे यहाँ पे मैप का इस क्लास। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 रहेगा, और आप लास्ट तक देखिएगा, आपको यूनिक लगेगा। अगर कभी नहीं पढ़े होंगे तो देखिएगा, अगर पढ़ लिए होंगे भूल गए होंगे तो भी देखिएगा, क्योंकि मैं अलग तरीका से कि यूनिक तरीका से आपको बताने जा रहा हूँ, और देखिएगा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं शेयर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि वर्ल्ड मैप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और वर्ल्ड मैप पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट अभी जो है यूपीएससी बीपीएससी जितने भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है एग्ज़ाम। अब सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, कि कहीं पे भी क्वेश्चन अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो पूछता है कि कंटिनेंट कितने होते हैं, तो यहाँ बात कर लेते हैं कि कंटिनेंट होता क्या है। तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं लूसेंट वगैरह में, कंटिनेंट के मतलब होता है महादेश। ठीक है, कितने महादेश है ऐसे लोग बोलते हैं, तो यहाँ रखना है कंटिनेंट। कंटिनेंट कितने होता है, तो 7 कंटिनेंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी हो गए कि इसको उनको याद होगा, नॉर्थ साउथ अफ्रीका यूरोप वगैरह ये सब, एशिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। बट जिनको याद नहीं होता है उनके लिए एक बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। लिखा गया है 4AE+NASA, यानी कि याद करना है कि 4AE NASA, 4A+E+NASA, 4A+E+NASA। देखिए मैं दोहराऊंगा तो आपको साथ में दोहराना है। ठीक है, जैसे नहीं बोलिएगा तो मैप पे आपको याद नहीं होगा, दिमाग में नहीं जाने वाला है। मैप का फंदा होता है कि एक बार दो बार बोलना। ठीक है, तो 7 कंटिनेंट होता है, 4A+E+NASA। और 4A का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको देखना है, 4A का मतलब होता है कि 4 कंटिनेंट है जो ए से स्टार्टिंग है, कौन कौन, तो अफ्रीका, एशिया, यहाँ देख सकते हैं टोटल मैं लिख दिया हूँ, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये उस नया होता है, इसका बात मैं जिक्र बाद में करूँगा, अच्छा से वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि ई, तो ई फोर देखिएगा यहाँ यूरोप होता है, फिर नासा, तो NA का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका, और SA का मतलब होता है साउथ अमेरिका। अब देखिएगा इसमें एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दिशा, हम लोग देखेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको हिंदी में याद होगा, इंग्लिश में याद होगा, अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अभी तक समझ में नहीं आता है कि आखिर बोले कहे कैसे कौन कहाँ पे होता है। तो चलिए मैं आज कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ, समझिएगा अच्छा से। यहाँ पे देखिए एक ऊपर एक नीचे, ऐसे समझिएगा ठेठ भाषा में, एक राइट एक लेफ्ट होता है, तो ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ होता है और नीचे वाला जो होता है साउथ होता है। सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। नॉर्थ को बोलते हैं उत्तरी और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी। ये जो होता है वेस्ट होता है, इसको बोलते हैं पश्चिमी और इसको बोलते हैं पूर्वी। तो सिंपल सा तरीका एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरे साथ आपको दोहराना है। एक होता है नॉर्थ और साउथ होता है, और वेस्ट और ईस्ट होता है। यहाँ पे तो ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं, और लेफ्ट साइड को जो होता है इधर बोलते हैं आपको क्या, वेस्ट है, और इधर बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं, यानी कि ऊपर को नॉर्थ, डाउन साउथ, और जो दाहिने बगल होता है राइट साइड इसको ईस्ट बोल दीजिए, और जो लेफ्ट साइड होता है बाएं बगल उसको वेस्ट बोलना है।
उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैप पर चलिए, मैं आपको टोटल वहाँ रिवीजन करा दूँगा। तो 7 कंटिनेंट होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट क्या होता है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ यहाँ पॉइंट में बताऊँगा, आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। यह मैं पॉइंट लिखा हूँ, MATLE। तो M फॉर मोरक्को, A फॉर अल्जीरिया, T फॉर ट्यूनिसिया, L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट। चलिए मैं इसको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद देन यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ। देखिए, जैसे ही आपको एक लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इस मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा HD क्वालिटी में मैप दूंगा आपको, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, देख सकते हैं। अब इससे बड़ा HD क्वालिटी हम नहीं बता सकते हैं। जब सिस्टम में इतना हार्ड दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल में ओपन होगा या नहीं होगा मोबाइल में, बट बहुत क्लीन दिखेगा आपको। चलिए यहाँ कुछ बात कर लेते हैं। ये टोटल देख रहे हैं ना, तो ये कौन सा कंटिनेंट है? अफ्रीका है। एक बार और बोलना है, कौन सा कंटिनेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? तो अफ्रीका पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में कुछ मैं कंट्री का नाम यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, आपको अच्छा से देख लेना है, राइट। अभी मैं बात किया हूँ, और कुछ कुछ कंट्री में बताते चलूँगा, आपको देखते चलना है। देखिए, सबसे पहले मेरे साथ बोलना है, यहाँ देखिए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। एक बार और बोलिए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट। अब याद कैसे करना है? तो अभी तो मैं बताया हूँ कि MATLE। देखिए, मैं PDF दे दूंगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें टोटल चीज़ लिखा हुआ है। MATLE। M फॉर मोरक्को, A फॉर अल्जीरिया, T फॉर ट्यूनिसिया, L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट। तो आप देख सकते हैं कि सेम मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट। करना क्या होगा कि एक बार आपको यहाँ पे देख लेना होगा, और देखने के बाद देन उसके बाद आपको वीडियो को यहीं से पॉज कर देना है, ठीक है। वीडियो को क्या करना है, यहाँ रोक देना है, और 3 बार आपको इसको बोलना है। कितने टाइम्स? 4 या 3 टाइम्स आपको टाइम्स बोलना है इसको। क्या बोलना है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट। इतना करने के बाद जैसे नीचे आते हैं, तो आपको 2 कंट्री मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ पहले, ठीक। जैसे 2 कंट्री यहाँ मिल जाएगा, क्या मिलेगा? तो आप याद रखिएगा, MATLE के बाद S1 S2। ये S1 का मतलब होता है सूडान, और S2 का मतलब होता है साउथ सूडान। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। आइएगा, जैसे यहाँ से मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट। देखिए, जब मैं बोलूँगा तो बोलना है आपको। तो देखिएगा, एक कंट्री यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा सूडान। अब देखिए, मैं बोला था वहाँ पे कि नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो साउथ बोलते हैं। तो जैसे आप समझिए कि ये सूडान हो गया, तो उसके जस्ट नीचे वाला साउथ सूडान हो गया, क्योंकि नीचे वाले को साउथ ही बोलते हैं ना। तो क्या दिक्कत है फिर, ठीक है। तो ऊपर वाले को सूडान, और नीचे वाला जस्ट है साउथ सूडान, यानी कि S1 S2 का कहानी खत्म हुआ। नेक्स्ट चलिएगा, तब PDF में मैं लिख दिया हूँ, उसके बाद क्या सीड लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? सीड, SEED। S फॉर सोमालिया, E फॉर इथोपिया, E फॉर इरिट्रिया, D फॉर जिबूटी। देखिए, डिबूटी आपको दिखेगा, GD डिबूटी, जो भी आप, लेकिन इसको पढ़ा जाता है जिबूटी, हो जाएगा 1-2 बार में, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे सीड, SEED। चलिए मैं मैप पे दिखा देता हूँ इसको, अच्छा से यहाँ से आपको देख लेना है। चलिए, जैसे पॉइंट वाइज मैं लेकर चल रहा हूँ, तो आपको उसी तरह समझना है। अभी मैं बोला हूँ कि सूडान हो गया, नीचे वालों को साउथ सूडान बोलते हैं। उसके बाद आपको याद करना है सीड, SEED। S फॉर सोमालिया, E फॉर इथोपिया, E फॉर इरिट्रिया, G फॉर जिबूटी। D जिबूटी लिखा हुआ है, जिबूटी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ कहानी खत्म हो जाता है। एक और पॉइंट मैं बता दूँ कि सीड को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसका जिक्र मैं बाद में करूँगा, एक बार नोट्स में मैं दे दूँगा वहाँ नोट करके। तो आपसे कोई पूछ देगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, तो माइंड में आना चाहिए सीड को। फर्स्ट बोलना है सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आता है? तो सीड आता है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूटी, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
जैसे चलिएगा तो जस्ट इसके नीचे दो कंट्री मिलेगा, पहले एक बार देख लेना है, ठीक है। कंट्री कौन मिलेगा तो केन्या और तंजानिया, कौन मिलेगा केन्या तंजानिया, एक बार अच्छा सा आपको देख लेना है क्या कौन कौन कंट्री मिलेगा तो केन्या और तंजानिया। तो आइएगा तो एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बताया था मतलब मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, उसके बाद में बताया था S1, S2, S3 यानी कि साउथ सूडान, साउथ सूडान, फिर इसको बोला हूँ मैं सीड, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूटी। मैं बोला हूँ कि चुपचाप आपको दो कंट्री नीचे जस्ट याद कर लेना है, केन्या और तंजानिया, ठीक है। तो जैसे केन्या और तंजानिया याद कर लीजिएगा तो देखिए मैप पर आपको तो पता चल ही गया कि केन्या और तंजानिया है कहाँ आखिर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि केन्या और तंजानिया कहाँ पे है, जस्ट नीचे देखिए सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया के बगल में है। अब आइएगा तो एक टेक्निक मैं बताऊं बता रहा हूँ, ब्रू, BRU, V फॉर बुरुंडी, R फॉर रवांडा, U फॉर युगेंडा, राइट। तो ये चीज़ भी मैं लिख दिया हूँ तो वैसे में आप यहाँ देख भी सकते हैं। ब्रू देखिए, ब्रू जाइएगा तो एक कॉफ़ी का नाम होता है, V फॉर बुरुंडी, R फॉर रवांडा, U फॉर युगेंडा। तो अब देखिए यहाँ बुरुंडी आप पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ा जाता है उरुंडी पढ़ा जाता है, लेकिन अभी आपको बुरुंडी ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइएगा मैप पर दोस्तों, तो मैप पर जब आइएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रू के मतलब क्या होता है। तो दो तो कंट्री आपको याद कर लेना है, केन्या और तंजानिया, देखिए जितने बार मैं बोलूँगा आपको बोलना है, ठीक है, याद कर लेना है। तो आपको वहाँ बोलना है ठीक है, और फिर बोल देना है क्या याद कर लेना है, तो केन्या और तंजानिया। नीचे आइएगा तो बगल में, सॉरी नीचे नहीं, आप जैसे वेस्ट में आइएगा तो ब्रू होता है, ब्रुंडी, रवांडा और युगेंडा। अब एक और टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। जैसे जस्ट नीचे आइएगा, देखिए बहुत सारे ऐसे भी मेंबर देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट देखते होंगे, या जो भी बोलिए, हो सकता है हमसे बड़े या छोटे जो भी देखते होंगे, तो बोलते होंगे अरे हमको याद है। तो कहाँ से याद है, तो उनको लुसेंट से याद है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने का यहाँ लॉजिक यही है कि क्वेश्चन लोग नहीं पूछता है कि हाँ कौन कौन से कंट्री होता है, क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा आपसे, जैसे अभी मैं आप पढ़े हैं यहाँ पे कि ये जो कि केन्या जो हो गया कौन कौन से कंट्री से टच करता है। तो आप जब पढ़ रही हैं तो आपको तो पता है कि केन्या के नीचे तंजानिया बताए हुए थे, उसके पहले इथोपिया, सोमालिया, लेकिन बगल में ये भी तो आपको पता है कि बुरुंडी, रवांडा, युगेंडा। तो अच्छा से यहाँ युगेंडा भी टच करता है, तो ऐसे पूछा जाता है। जब आपको कंट्री का नाम याद है तो ये चीज़ आप, ये चीज़ लॉजिक आप अपनाइएगा स्टेप बाय स्टेप, तो ही आप ये बता सकते हैं। लुसेंट वाले नहीं बता सकते हैं किसको कौन टच करता है, हाँ मैप पढ़े होंगे तो पक्का बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक बार और आते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ लिए लोग, थोड़ा मैं दिखाने के आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़े लोग, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान। आइएगा तो यहाँ सीट पर लोग, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूटी। नीचे आइएगा तो आपको पता है कि नीचे मैं बोला हूँ कि ये को तो याद कर लीजिएगा बिना पूछे कहे सुने, के याद करना था केन्या और तंजानिया, यहाँ याद कर लेना है, ठीक है, केन्या और तंजानिया। बगल में इसी के साथ याद कर लेना है केन्या और तंजानिया का क्या दीजिएगा, तो ब्रू कॉफी दीजिएगा, बुरुंडी, रवांडा, युगेंडा। अब कनेक्ट कीजिएगा और भी मैं आगे पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए नीचे आइएगा, देखिए लॉजिक वही मैं अपना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो मैं पहले इस पे दिखा देता हूँ। नीचे आइएगा तो देखिए ब्रू के नीचे लिखा हूँ M1, M2, Z1, Z2, क्या लिखा हूँ M1, M2, Z1, Z2, ठीक। जैसे आइएगा आप मैप पर मैं लेके चलता हूँ, क्या बोला हूँ कि M1, M1 का मतलब देखिए यहाँ मैं शो करा दिया हूँ, M1 का मतलब मलावी, M2 का मतलब मोजाम्बिक, Z1 का मतलब जाम्बिया और Z2 का मतलब जिम्बाब्वे, ठीक है। M1, M2, Z1, Z2, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ठीक है। फिर इसको वीडियो को रोक लेना है, जहाँ पे मैं जाके छोड़ रहा हूँ वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद, रोकने के बाद आपको एक बार करना क्या होगा, तीन बार इसको बोलना है, क्या बोलना है, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। नीचे आइएगा ठीक है, तो नीचे आइएगा तो जस्ट आपको मिल जाएगा क्या, साउथ अफ्रीका मिल जाएगा। तो आइए मैं दिखा ही देता हूँ साउथ अफ्रीका, देखिए नीचे जब आइएगा तो जस्ट उसके नीचे है क्या, यहाँ देखिए साउथ अफ्रीका है,
ये पूरा जो कंट्री है साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे है, ये टोटल है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। अब याद कर लेना है कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है लिसोथो। याद नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, अब मैं याद करा दूंगा, क्योंकि इतना बार मैं बोलूंगा बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। एक स्विट्जरलैंड है, तो ये किनारे पे है, ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे मैं जो दोनों ध्यान नहीं रह रहा है तो छोड़ दीजिए, नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नीचे में सबसे क्या है, तो ये साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ तक कंट्री हम लोग एक बार पढ़ लिए लो, तो चलिए एक बार रिकेप कर लेते हैं। और सेकेंड वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, पार्ट टू में मैं लेकर आऊँगा कि जितने कंट्री बचा हुआ है उसका टेक्निक मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पढ़े क्या है, ये चीज़ रिकैप कर लेते हैं। सबसे ऊपर तक तो पढ़े हैं लोग क्या, मतले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। सेकेंड में पढ़ लें S1 S2, यानी कि सूडान, साउथ सूडान। फिर आप लोग बढ़े लोग क्या थी, सीड, सीड के मतलब सोमालिया, इथोपिया, इरीट्रिया, जिबूटी। नीचे दो कंट्री पढ़े लोग, केन्या, तंजानिया। और फिर बगल में बोला था मैं बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, और M1 M2 Z1 Z2, ठीक है, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। और जस्ट नीचे आइएगा तो साउथ अफ्रीका। और बताया हूँ कि साउथ अफ्रीका में दो कंट्री है, एक एकदम बीच में है, सेंटर में, मतलब अंदर में है, और एक है किनारे। तो ये मैं बाद में बता दूंगा कौन कहाँ पे है, फिजिकल में अच्छा से मैं बता दूंगा। तो इतना मैं डे वन में आपको बताया। पार्ट टू में मैं लेकर आऊँगा, क्या लेकर आऊँगा तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन अभी बताऊँगा नहीं। इतना आप लोग एक बार कंप्लीट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए। पार्ट टू में लेकर आऊँगा तो पार्ट टू में ये टोटल कंट्री में बता दूंगा, ठीक है। तो उसका भी टेक्निक मैं लिखा हूँ, और कैसे याद करना है, कराना है, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। पार्ट टू का वेट कर लीजिए, और इसको एक बार मैं क्या फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, बोर नहीं होना है। देखिए कुछ और पॉइंट बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे तो सोचते होंगे कि ये मोरक्को से तो मैंने स्टार्ट कर दिया, बट हाय ये क्या है। तो जैसे वर्ल्ड मैप मैं बता दूंगा, पूरे वर्ल्ड का बता दूंगा, तो इससे कनेक्ट करा दूंगा कि है क्या, ठीक है। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि ये क्या है। अभी अफ्रीका पढ़ रहे हैं लोग, जैसे ही अफ्रीका पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर यूरोप है, वहीं है, स्पेन वगैरह टोटल, फ्रांस वगैरह, टर्की वगैरह टोटल, में ईरान वगैरह, ये टोटल, रसिया, यूक्रेन, टोटल चीज़ मैं बताऊंगा। तो अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस दिमाग ये लगाना है कि आप लोग के जो मैप है तो ये यहाँ से पढ़ना है टोटल, ठीक है। तो यहाँ से टोटल पढ़ना है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल क्या होता है, फिजिकल क्या होता है। आइए ना एक बार देख लेते हैं कि हम लोग पढ़े लोग क्या, उसके बाद एंड करते हैं लोग वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़े लोग मेरे साथ बोलना है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, साउथ सूडान, मतलब सूडान, साउथ सूडान। साउथ सूडान के बाद आगे टेक्निक में बताते चल रहा हूँ, सीड, ठीक है। तो सीड में क्या, सोमालिया, इथोपिया, इरीट्रिया, जिबूटी। नीचे आइएगा, दो कंट्री में बताया था कौन कौन, तो यहाँ पे केनिया, तंजानिया, बगल में बुरुंडी, रवांडा, युगेंडा। नीचे आइएगा तो M1 के मतलब मलावी, M2 के मतलब मोजाम्बिक, यहाँ मोजाम्बिक हुआ, Z1 के मतलब जाम्बिया, जिम्बाब्वे। नीचे आइएगा तो यहाँ साउथ अफ्रीका आपको मिल ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक मैप के वीडियो को फॉज कर करके आपको दो बार तीन बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ टेक्निक के साथ, मतले, S1 S2, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सिर्फ माइंड में सोचना है कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े लोग, तो मतले, ठीक है। मतले पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े लोग S1 S2। तो जैसे S2 पढ़ लिए लोग, उसके बाद पढ़े लोग सीड, SEED। सीड पढ़ने के बाद मैं बोला कि दो कंट्री याद रखिएगा क्या, तो ये वाला याद कीजिएगा, कन्या, तंजानिया। उसके बाद ब्रू याद कर रहेगा, बुरुंडी, रवांडा, युगेंडा। उसके बाद M1 M2 Z1 Z2, तो ये टोटल कंट्री हो जाएगा। जैसे टोटल कंट्री हो जाएगा तो नीचे आइएगा, एक साउथ अफ्रीका में बताया हूँ, यहाँ तक पार्ट वन में बताया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा या फिर कहीं लगा होगा कि मिस्टेक में कर रहा हूँ, वहाँ सही से नहीं किया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको सजेस्ट कीजिएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।